प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्व दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तले। उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा धावे सैंस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा धावे सैंस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीस गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाम।
तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो, कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात है। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न समा, अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो हो, बावे गर्दन उतारो। अवगुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी इस अमर परमेश्वर की ये कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो पुण्य आत्माएं हैं, जो किसी ना किसी युग में परमेश्वर के संग इस पृथ्वी पर गुरु शिष्य रूप में रहे हैं, वो पुण्यात्माएं इस सत्सथल पर इस सतलोक आश्रम में पहुंच रही हैं। आप जी बहुत ही पुण्यात्मा हो जो आप किसी भी कारण से इस परमात्मा के सत्संग में पहुंचते हो, या ये सत्संग आप तक पहुंचता है, कोई सीडी के माध्यम से, किसी टेलीविज़न टीवी चैनल के माध्यम से, या किसी पुस्तक पवित्र पुस्तक के माध्यम से, तो वो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। परमात्मा का ये संदेश है, मैसेज है, वो अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है, ये वो कलयुग वो समय है कलयुग का, जिसमें सभी आत्माएं परमात्मा को प्राप्त करेंगी। जो परमेश्वर के चरणों में सच्ची भावना से लग जाएंगे, आजीवन मर्यादा निभाएंगे और इस सत नाम सार नाम को प्राप्त करके निर्विकार होकर के परमात्मा की भक्ति करेंगे, वो सभी अब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आप जी का जो पुण्यात्मा सच्ची श्रद्धा से यहाँ लगेंगी और सत साधना करते रहेंगे आजीवन अंतिम श्वास तक, तो उनका ये अंतिम जीवन है, ये लास्ट फाइनल गेम है उनका, और वो पार हो जाएंगी। परमात्मा का पाना सबसे आसान है, परमात्मा का विश्वास होना कि ये परमात्मा कौन है कैसा है, और जो साधना हम कर रहे हैं ये यथार्थ है व नहीं, ये निश्चय होना बड़ा मुश्किल है। और इसके निश्चय कराने के लिए कि कौन परमात्मा है, कहाँ रहता है,
उसका प्रमाण क्या है। और जो साधना यहाँ आपको प्रदान की जा रही है, ये साधना सत्य है या नहीं, ये सभी प्रमाण यहाँ आपके समक्ष सदग्रंथों को रूबरू करा कर आप जी को इसका प्रमाण दिया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है। परमेश्वर का पाना बहुत आसान है, परमेश्वर का पाना कठिन इन अज्ञानियों ने बना रखा था जो साधना ठीक ना करके डले डोया करते। डले कैसे ढो रहे थे, जैसे तपस्याएं करते थे, चारों तरफ अग्नि के धुने लगा लेते थे, या खड़े होकर के तप करते थे, पैर सूज जाते थे, सूजन आ जाती थी, जख्म बन जाते थे, कान पड़ाते थे, घर त्याग जाते थे, बड़ी बड़ी जटा या लटा दाढ़ी बढ़ाते थे, कोई केवल एक कॉपी लंगोट बांध कर ही अवधूत स्थिति में रहता था। तो हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा तो ये पा सकते हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो परमेश्वर के लिए संघर्ष करते हैं वो बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं, उनके हृदय में भगवान के स्थान पर कोई और वस्तु प्रिय नहीं होती, जिस कारण से वो घर भी त्याग जाते हैं, परिवार भी त्याग देते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि वो अच्छी आत्माएं होते हुए और संघर्ष करते हुए भी सफल नहीं हो पाती जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करती हैं, जो सदग्रंथों के विपरीत हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी साधनाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न उनकी गति होती है। तो पुण्यात्मा, उस साधना का यूज क्या, लाभ क्या, जिससे ये तीनों चीज ना हो, वो करो या ना करो वो जीवन व्यर्थ है। फिर तुरंत उत्तर दिया है 24वें श्लोक में, श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति साधना कौन सी करनी चाहिए, भक्ति कर्म कौन से करने के हैं, कौन से ना करने के, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है वही साधना को सत मानना, और किसी की लोकवेद दंत कथा द्वारा बताई गई कोई साधना करते हो, भक्ति करते हो, वो शास्त्र विधि के विपरीत होने से यूजलेस है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है और ये वो समय आ गया है जिसमें परमेश्वर ने बैन उठा दिया कि कोई भी प्राणी हमारी मर्यादा में रहता हुआ आजीवन ये भक्ति करता रहेगा उसका मोक्ष निश्चित है। पुण्यात्माओं, हम इस काल के लोक में असंख्य युगों से रह रहे हैं और हम इसी प्रोसीजर में इतने रंगे गए हैं, जन्म और मृत्यु, फिर जन्म हुआ, मनुष्य का जीवन हुआ, संतान की इच्छा, विवाह की इच्छा, फिर रोजगार की इच्छा, फिर संतान हो जाती है, कुछ तो बचपन में मर जाते हैं, कोई युवा होने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आजीवन भी अगर जीवित रहे और भक्ति ठीक करी नहीं तो दोनों ही, संतान भी और स्वयं भी, सीधे नरक में जाते हैं। 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में जीवन व्यतीत करते हैं, कष्ट पे कष्ट उठाते हैं। तो हमने इतना ही